अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शादी है। ये शादी है जरवार बरादरी की और ये हमारे शहर की बहुत बड़ी कास्ट है। शहर से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर इनका गांव है और अब हम आए हुए हैं उनकी शादी पर। इनकी शादियाँ पूरे शहर बल्कि पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सी शादी। अगर जगह की बात की जाए तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन ये कोई 5 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे शादी हो रही है। ऊँट वाला आया हुआ है, झूले वाले भी हैं और आइसक्रीम वाले भी खड़े हुए हैं। ये शादी कम मेला ज़्यादा लग रहा है। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ शादी पे आने वाले मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। ये बहुत ही ताज़ा बैल का गोश्त रखा हुआ है। ये एक छोटा सा टेंट है, इसके नीचे गोश्त पकाने वाले जो मसाले हैं वो रखे हुए हैं। ये सामने दही रखी हुई है, प्याज टमाटर यानी कि जो चीज़ें गोश्त में डाली जाती हैं वो इस टेंट के नीचे रखी हुई हैं। बाकी गोश्त वाले जो पुलाव हैं और जो मीठे चावल हैं उनका सामान अलहदा और जगह पे रखा हुआ है। इसके बाद हम वहाँ भी चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देगों की एक बहुत लंबी कतार है। ये सारी गोश्त वाली देगें हैं, बाकी पुलाव वाली देगें और मीठे चावल वाली देगें इसके साथ हैं। कुछ देर बाद हम वहाँ भी चलेंगे, आपको वहाँ की तरतीब भी दिखाएँगे। और मेहमानों के लिए वो सामने बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है। गोश्त की देगें यानी कि बीफ कौरमे की देगें पहले भी पकाई जा चुकी हैं। ये दूसरी शिफ्ट है यानी कि दूसरी दफ़ा भी देगों की ये कतार पकाई जा रही है। ये देगें भी अब तैयार होने वाली हैं। पकवान साहब चेक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और गोश्त पका हुआ है। बस अब तकरीबन 5-10 मिनट बाद ये देगें उतार ली जाएंगी। इसके बाद फिर इन चूल्हों पर दूसरी देगें चढ़ाई जाएंगी। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह लंबी कतार है, वो वहाँ टेंट तक ये देगों की कतार जा रही है। गोश्त की जो देगें तैयार होती जा रही हैं, चूल्हे से आग हटा दी गई है। कुछ देगें अभी कच्ची हैं तो आग जल रही है। इन देगों के बाद मज़ीद देगें पकाई जाएंगी। जहाँ पे देगें पकाई जा रही हैं उसके बिल्कुल साथ ही बहुत बड़े 4 तवों पर तबाखी भाई रोटियां पका रहे हैं। एक तवे पर 3 से 4 तबाखी रोटियां पका रहे हैं। क्योंकि शादी का बहुत बड़ा और वसी इंतज़ाम है इसीलिए 1 या 2 तवे का काम नहीं है, 4 बहुत बड़े तवे लगाए गए हैं और उन पर 3 से 4 तबाखी रोटियां पका रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है। पहले हमने बीफ कौरमे की देगें देखी और अब ताज़ा रोटी, हमें तो भूख महसूस हो रही है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 1.5 से 2 किलो आटे के पेड़े से बनी ये रोटी मेहमानों के सामने पूरी नहीं रखी जाएगी, इसीलिए इनको 2 टुकड़े करने का बहुत ही सादा और अजीबोगरीब इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले 10 से 15 रोटियों को धागे के ऊपर रख दिया जाता है और फिर आसानी से इन रोटियों को 2 टुकड़े कर दिया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ एक बंदा ये काम कर रहा है और देखें रोटियां कितनी प्यारी तरतीब से 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई हैं और अब ये आसान है मेहमानों के सामने रखने के लिए। गोश्त पुलाव की कुछ देगें तैयार हो गई हैं और इन्हें दम भी आ गया है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये जो पकवान भाई हैं ये अपने लिए निकाल रहे हैं गोश्त वाले चावल, क्योंकि सबसे पहले इनका हक है, ये काम कर रहे हैं। जब ये जी भर के खाना खा लेंगे तो ये आसानी से फिर खाने पका सकेंगे। इस जगह पे मीठे चावल पकाए जा रहे हैं और मीठे चावलों में काजू बादाम छुआरे किशमिश भी हैं। मीठे चावलों की कुछ देगें तैयार हो गई हैं और बाकी देगें पकाई जा रही हैं। मीठे चावलों के ऊपर जेली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये सारी लाइन मीठे चावलों की है। यानी कि शादी पे 3 किस्म के खानों का इंतज़ाम है। नंबर 1 बीफ कौरमा, नंबर 2 गोश्त पुलाव और नंबर 3 मीठे 7 रंगी चावल। और इनके साथ साथ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सॉफ्ट ड्रिंक का भी इंतज़ाम किया गया होगा। गोश्त की कुछ देगें पहले उतार ली गई थीं, ये वाली देगें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाली हैं। पकवान भाई ये देग भी चेक कर रहे हैं।
कि गोश्त पका हुआ है कि नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त ज़बरदस्त अंदाज में पका हुआ है और गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि शादी वालों का कोई ख़ास मेहमान आ गया है, इसीलिए उनके लिए मीठे सतरंगी चावल निकाल रहे हैं, और ये चावल रसगुल्लों से अल्हम्दुलिल्लाह फुल हैं। बाकी काजू बादाम छुआरे किशमिश भी इनमें हैं। मुझे पहले ही अंदाज़ा था जहाँ पे इतने खानों का इंतज़ाम किया जा रहा है वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तीन बहुत बड़े ड्रम हैं, इनमें बर्फ़ डाल दी गई है और फिर बोतलें इनमें रखी गई हैं, और ये बोतलें बहुत ही अब ठंडी यख हो गई हैं। ओवरऑल मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी शादी है और ये मुझे शादी कम मेला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की ये वाली देगें तैयार हो गई हैं। गोश्त की बहुत ही आला खुशबू आ रही है और हमारे भूख में डबल इजाफा हो रहा है। यहाँ पे एक पकवान भी अपने लिए गोश्त का सालन निकाल रहे हैं। ये देगें अभी पकी जा रही हैं। इस देग में घी प्याज और टमाटर डाल दिए गए हैं। तकरीबन अब 12 बजे का टाइम है, मगर आप देख रहे हैं कि कुछ देगें तैयार हो गई हैं और कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही हैं। ये वाली देगें भी अब तकरीबन आधे घंटे बाद तैयार हो जाएंगी। मैंने पकवान भाई से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हम 1 से 1.5 या 2 किलो घी मिलाते हैं एक देग के अंदर और 18 से 20 किलो गोश्त मिलाते हैं, तब जाकर एक बहुत ही ज़बरदस्त और आला सी बीफ कौरमे की देग तैयार होती है। और अगर देगों की तादाद की बात की जाए तो उन्होंने मुझे कहा है कि गोश्त की जो देगें हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, और जो गोश्त पुलाव और मीठे चावल हैं वो तकरीबन 50-50 के करीब देगे हैं। बाकी देगों की जो फाइनल गिनती है वो आखिर में की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 8-10 पकवान हैं और 40-50 लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं और ये देगें लिखते जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरत के मुताबिक देगें पका रहे हैं। जितना शादी के मालिक इनको कहते जा रहे हैं उसी हिसाब से ये देगें पकाते जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हमारे प्यारे शहर में इतनी बड़ी शादियाँ कम की जाती हैं। ये शादियाँ सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अफोर्डेबल हैं। ये देगें भी आप देख रहे हैं कि काजू और बादाम से फुल हैं। ये मीठे चावल की देगें हैं, बाद में इनमें चावल डाले जाएंगे। जिनकी ये शादी है यानी कि हमारे प्यारे जरवार भाई, इनके दुबई में बहुत बड़े कारोबार हैं, इसीलिए तो ये हर साल अक्टूबर और नवंबर में इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं। ये देग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, ये वाली देग भी तैयार है। देगें देख देख के गोश्त की हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अब दिल कह रहा है कि हम चलें टेंट के अंदर और बिस्मिल्लाह पढ़कर वहाँ खाना खाएं, मगर अब बस थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हम भी चलेंगे टेंट के अंदर और वहाँ खाना खाएँगे। हमारे प्यारे तबाखी भी अपने काम को लगे हुए हैं, यानी कि रोटियां पका रहे हैं। अगर शादी पे ख़र्चे की बात की जाए, जहां तक मेरा अंदाज़ा है 1 करोड़ से भी ज़्यादा शादी पे ख़र्चा लग गया होगा, क्योंकि खाली जो कैटरिंग का सामान है और ये टेंट वगैरह हैं 10 से 15 लाख तो इनका ख़र्चा है। उसके बाद फिर जानवर ख़रीदे गए, यानी कि बैल, 10 से 15 बैल तो लाजिम ख़रीदे गए होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा गोश्त की देगे हैं। उसके बाद रोटियों का ख़र्चा, चावल का ख़र्चा, मीठे चावलों का, चीनी काजू बादाम वगैरह का ख़र्चा, तो सारा जो ख़र्चा है इसको मिलाया जाए मेरा अंदाज़ा है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया होगा। और अगर सलामी की बात की जाए तो जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि 20 से 30 लाख सलामी भी फिर दूल्हों को दी जाएगी, तो कुछ जो शादी के अखराजात हैं वो कवर हो जाएंगे। मगर ये हमारे भाई अफोर्डेबल हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनके दुबई में बहुत बड़े कारोबार हैं, तो इन ख़र्चों से इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से पेड़े बनाए हुए हैं। हमारे तबाखी भाई बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। बड़े से थाल पर आटे के पेड़ों को रख देते हैं और फिर ऐसा ऐसा इसे फैलाते हैं, फिर हाथों की मदद से उठाकर तवे पे रख देते हैं। वीवर ज़रा जो चूल्हों पे देगे हैं वो गिन लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि एक ही दफ़ा 28 देगें पकाई जा रही हैं। और अब हम आ गए हैं टेंट के अंदर। ये टेंट मेहमानों के लिए बनाया गया है। दूल्हों की तरफ जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। वो सामने दूल्हे बैठे हुए हैं, 4 दूल्हे हैं और बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। इस खूबसूरत से टेंट के अंदर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शहर की किसी बहुत बड़े शादी हॉल में आ गया हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये गांव की शादी है। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हुए मेहमानों में खाना तकसीम किया जा रहा है। खाने की ये तकरीबन तीसरी या चौथी शिफ्ट है, क्योंकि हम पहले वहाँ पर वीडियो बना रहे थे। अगर वेटरों की बात की जाए तो 30 से 40 वेटर हैं, बाकी इनकी जो कास्ट के लोग हैं यानी कि इनके गांव वाले हैं वो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है ये शादी का। साथ में बीफ कोरमा दिया जा रहा है लोगों को और यहाँ पर गोश्त पुलाव दिया जा रहा है। ये सारा इंतज़ाम एक ही जगह पर है। यहाँ पे सालन दिया जा रहा है और इसके साथ वो गोश्त पुलाव भी एक हमारे भाई मेहमानों के लिए थालियों में निकाल रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से बर्तन आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये कोई ख़ास मेहमान के लिए सालन है। और ये बर्तन बहुत ही साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। यकीन करें वीवर, गांव की शादियों के सालन की जायके की अपनी ही बात होती है। और सालन और पुलाव के साथ साथ आए हुए मेहमानों को अब मीठे चावल भी दिए जा रहे हैं। इतने बड़े शादी हॉल को कवर करना बड़े ही हिम्मत का काम है, क्योंकि अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1000 से 1500 लोग लाजिम बैठे हुए होंगे। बयक वक्त इतने लोगों को खाना देना आसान नहीं है। मीठे चावल भी अब दिए जा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं शादी हॉल के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो हॉल है यानी कि टेंट है, लोगों से बिल्कुल फुल है। कोई भी कुर्सी खाली नहीं है और सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बराबर खाना रख दिया गया है। और अब हर कोई मज़े से शादी का खाना खा रहा है। इतना बड़ा इंतज़ाम करना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, ये पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।